हेलो दोस्त, आप लोग के काफ़ी मांग पर चलो आज हम लेकर आ गए पॉलिटेक्निक का। शुरू कर रहे हैं मॉडल सेट सॉल्यूशन, ठीक है ना? आप लोग शुरू से अंत जरूर देखें, ठीक है ना? काफ़ी अच्छा से सॉल्यूशन देंगे, जिस तरह क्लास 10 में हम मॉडल सेट का सॉल्यूशन देंगे उसी प्रकार यहाँ देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बिहार पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2003 का हम मॉडल पेपर, जो उसका जो पूछा गया 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं हम, ठीक है ना? तो अगर देखते हैं इस वीडियो को कैसा रिस्पांस मिलता है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो 2003, 2004, 2005 से लेके, ठीक है ना, 3 से लेके 18 तक जितना भी अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड पॉलिटेक्निक में, बिहार पॉलिटेक्निक में सारा काम सोल्यूशन देंगे, काफ़ी अच्छी तरह से देंगे, ठीक है ना? आप लोग को ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख रिस्पॉन्स के हिसाब से करेंगे। अगर ये वीडियो को अब पर अगर आप लोग काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिए हैं तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेते आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा है, अगर इसमें हम भौतिकी और केमिस्ट्री साथ में लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैथ का हम अलग से इसका लेकर आएंगे सॉल्यूशन, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो इसमें जो है विस्थापन सदिश राशि है। कौन है? विस्थापन, ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा विस्थापन। अब थोड़ा बता देते हैं, याद रखना जिसमें वो आएगा, वो या वो होता है मेरा सदिश राशि। जैसे बोले तो विस्थापन, जैसे बोले तो वेग, जैसे बोलो त्वरण, देखो त्वरण में भी वो आ रहा है ना, जैसे बोलो बल, बल में भी देखो वो आ रहा है, जैसे बोलो संवेग, संवेग में भी देखो वो आ रहा है, जैसे बोलो आवेग, तो आवेग में भी देखो वो आ रहा है। तो जैसे मेरा क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, ठीक है ना? और अधिश राशि, सदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। और अधिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ परिणाम हो, दिशा नहीं हो, उसे अधिश राशि कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि क्या कि कुल आधारी मात्रक की संख्या जिसको मूल मात्रक बोलते हैं सात होता है, और वो सातों मूल मात्रक जो है वो अदिश राशि है क्योंकि उसमें दिशा नहीं होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, याद रखना विद्युत धारा भी अदिश राशि है। विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, जैसे मेरा क्या है? अदिश राशि है, ठीक है ना? उसी प्रकार विस्थापन मेरा सदिश राशि है। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, त्वरण, भार, ये सब मेरा सदिश राशि है। और ऊर्जा, शक्ति, कार्य, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, दूरी, घनत्व, ताप, धारा, विभव, ये सब मेरा अदिश राशि है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरा है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा? चाल बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, चार बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखो दूरी 8 तो समय 1, तो 1 से 8 में भागा देंगे तो 8 मीटर पर सेकेंड। दूरी 16 तो समय 2, तो 216 में भागा देंगे तो आएगा 8, तो हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। दूरी समय 3 तो दूरी 24, 324 में भागा देंगे तो आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर होगा मेरा 8 मीटर पर सेकेंड, ए नंबर करेक्ट होगा, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि सरल रेखा में 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 3 सेकंड के बाद उसकी चाल कितनी होगी? तो चाल निकालना, चाल के लिए हमको दूरी चाहिए, तो इसमें दूरी तो नहीं दिया गया है। और चाल बराबर होता है, अभी हम बता चुके हैं, दूरी बटा समय, तो समय तो दिया गया है 3 सेकंड, लेकिन दूरी कितना है ये नहीं दिया गया, तुमको दूरी निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या क्या दिया वो लिख दो। तो दिया गया है 40 मीटर पर सेकंड, तो कोई भी सरल रेखा में दौड़ रहा है तो वो पहले अस्थिर रहता है, प्रारंभिक चाल उसका होता है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो कितना आ गया उसका चाल, तो उसके बाद उसका चाल बढ़ के हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, यहाँ दिया गया है त्वरण, त्वरण को बोलते हैं ए, और त्वरण मेरा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, दूरी निकालना है क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस सूत्र लगाएंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि सरल रेखा सूत्र में दूरी सूत्र में v² = u² + 2as। तो लगा दो ये, तो भी मेरा कितना है 40, 40 का करेंगे तो 1600, उसके बाद u², u तो मेरा 0 है तो 0 हो जाएगा, 2, ए मेरा कितना है तो ये मेरा 4 है, और एस पता नहीं है, एस निकालना है, ठीक है ना? तब ये 4 दूनी 8, एस इधर हो जाएगा, और जब 8 ये पर आएगा तो 8 से इसमें डिवाइड हो जाएगा, और काटेंगे इसको तो एस बराबर मेरा आ जाएगा 200 मीटर, 200 मीटर हो गया। अब हमको निकालना है क्या, देखो यहाँ चाल बोल रहा है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी तो 200 मीटर है, समय कितना है 3, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 66 and 2/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर s बराबर ut + ½ at² वाला सूत्र हम नहीं लगाए हैं, ठीक?
उससे ही बनाएंगे तो आंसर यही आएगा, लेकिन ये इजी था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन मेरा है। अगला है त्वरण का सही मतलब क्या होता है। देखो त्वरण का 4 मीटर पर सेकंड, तो लास्ट में दिया हुआ मीटर पर सेकंड। त्वरण का सही मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा चार और वेग का, चाल बोलो या वेग का बोलो, उसका सही मात्रक है। ठीक है ना, त्वरण मेरा सदिश राशि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, देखो 100 ग्राम मीटर पर सेकंड वेग से चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली, यानी बंदूक से जो गोली छूटा है, किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के 0.01 सेकंड के बाद रुक जाती है, तो लक्ष्य द्वारा आलोपित बल का मान बताना है। बल का मान बताना है, तो बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है ना, और इसको एफ बराबर हम लिख सकते हैं, ए बराबर होता है क्या, वी माइनस यू बाय टी। ये होता है, क्यों हम वी माइनस यू बाय टी लिखे, क्योंकि ए का मान यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है ना, इसलिए तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ दिया गया है कितना, कि गोली का जो प्रारंभिक वेग था 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकंड। कैसे पता चलेगा प्रारंभिक वेग, क्योंकि अंतिम में जब जो गोली टकराएगी तो वो क्या होगा, रुक जाती है, तो अंतिम वेग तो रुक गया, तो अंतिम वेग हुआ मेरा 0 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पर दिया गया है 0.01 सेकेंड। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ द्रव्यमान कितना दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 5 ग्राम। तो द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में नहीं लेते हैं, द्रव्यमान को लेते हैं किलोग्राम में, तो इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.05 kg। अब इस सूत्र में बैठा दो तो पता चल जाएगा कितना बल से वो उसमें लक्ष्य द्वारा आलोपित बल का मान कितना है, पता चल जाएगा। तो एफ बराबर इसमें बैठाओ तो एफ बराबर हो जाएगा, एफ बराबर 0.05 kg, यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कितना है 0.005 kg। वी माइनस यू, तो वी मेरा कितना है, तो वी मेरा अंतिम वेग, रुक गई थी गोली, तो अंतिम है 0 माइनस यू, और यू मेरा कितना है, तो यू मेरा 100 मीटर पर सेकंड है, प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड, बटा टाइम, टाइम कितना है, तो टाइम मेरा है 0.01। ठीक है ना, अब इसको हम अथी करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 0.005 लिख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशमलव के बदले 2 अंक ऊपर जाएगा, तो ऊपर आएगा कितना, 2 जीरो, तो पहले से 2 जीरो और बढ़ जाएगा, और माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 दशमलव जो है 3 अंक पीछे भागेगा, तब भी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 जीरो बच जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 50। और बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन लिखेंगे, जो दोनों गुना करो तो 50 न्यूटन आएगा, और ये माइनस का माइनस, इसका मतलब है कि उस गोली को रोकने के लिए हमको उसके विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाना पड़ा, इसलिए निगेटिव आया है, तो इसका आंसर होगा -15 न्यूटन। तो यहाँ माइनस नहीं दिया, तो 15 न्यूटन मारना है, लेकिन माइनस में होगा। ठीक है ना, अगला मेरा है क्वेश्चन, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण है। तो देखो किसी असंतुलित बल, यानी समान बल नहीं लग रहा है, कि दोनों साइड से समान बल नहीं लग, जितना बल ये पेंसिल मेरे हाथ पर लगा उतना हम लगाएंगे, तो ये दोनों में गति नहीं होगा, दोनों समान बल लगाएंगे तो एक जगह अस्थिर रह जाएगा, और जैसे हम ज़्यादा बल लगा देंगे और पेंसिल कम लगाएगा, तो हम देखो पेंसिल अपना स्थान खिसकने लगा है। ठीक है ना, स्थान छोड़ने लगा है, तो असंतुलित बल का मतलब हुआ एक तरफ से ज़्यादा बल और एक तरफ से कम बल। तो असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, तो क्या होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा, बल जितना ज़्यादा लगेगा उतना ज़्यादा उसमें उस वस्तु में गति आएगा, यानी बल बढ़ेगा तो वस्तु का गति भी बढ़ेगा, बल घटेगा तो वस्तु गति भी घटेगा, तो इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से संवेग क्या होगा। संवेग, तो संवेग पहले आपने जाना, संवेग को पी से इंडिकेट करते हैं, और संवेग बराबर होता है एम भी, क्या होता है एम भी, यानी द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक है ना, अब ध्यान देना, संवेग मेरा सदिश राशि है, ठीक है ना, क्योंकि वो आ रहा है, बता चुके हैं ट्रिक हम। अब ध्यान देना है यहाँ क्या कर रहा है, कि वेग आधा करने से, तो वेग आधा कर देगा, तो इसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पूरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो संवेग क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा किए तो संवेग भी आधा, वेग को दुगना करेंगे तो संवेग भी दुगना, द्रव्यमान को दुगना करेंगे तो संवेग भी दुगना, द्रव्यमान को आधा करेंगे तो संवेग भी आधा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आधा, तो इसका आंसर होगा आधा। गति घर्षण बल चरम घर्षण बल से क्या होता है ये बताना है। तो घर्षण बल जो 4 प्रकार का होता है, पहला होता है स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा होता है सीमांत घर्षण बल, तीसरा होता है आपका सर्पी घर्षण बल, और चौथा होता है लोटेनिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण के बल के मतलब हुआ कि वस्तु के अस्थिर रहने के कारण जिसमें घर्षण लग रहा है उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल, और सीमांत घर्षण बल का मतलब हुआ कि जब वस्तु अब
अब लुढ़कने वाला हो, अब खिसकने वाला हो, अभी लुका हुआ है लेकिन खिसकने पर ना उसका मैक्सिमम समय खिसकने पर आएगा, उसको बोलते हैं सीमांत घर्षण बल। और लोटेनी सर्पी घर्षण मतलब बल का मतलब होता है कोई वस्तु को हम खींच रहे हैं तो वो क्या घूम नहीं रहा है, जैसे चक्का घूमता है तो उसको बोलते हैं लोटेनी घर्षण बल। सिर्फ वो क्या कर रहा है, फर्श से क्या कर रहा है वो, तो ये चार प्रकार का घर्षण बल होता है। तो सिंपल सी बात है, असती घर्षण बल में ज़्यादा पावर होगा क्योंकि वो खिसक नहीं रहा है, यानी ज़्यादा उसमें घर्षण लगा हुआ, उसको रोक के रखा हुआ है, सबसे ज़्यादा होगा असती घर्षण बल में, ठीक है ना। उसके बाद होगा किसका, जो स्लाइड कर रहा है फिसल रहा है तो उसमें ज़्यादा ताकत, किसी को टालने में ज़्यादा ताकत लगता है, लुढ़काने में कम ताकत लगता है, तो होगा कौन सा, होगा स्लाइड वाले सर्पी घर्षण बल, ठीक है ना। उसके बाद होगा आपका लोटनिक में सबसे कम होगा, जो लुढ़क के चल रहा है, इसे आप सिलेंडर भी लेते हैं कहीं उठा के नहीं ले जाते, क्या करते हैं लुटका देते हैं क्योंकि कम बल लगता है, तो लोटनिक घर्षण बल। लेकिन यहाँ बात का चरम घर्षण बल, तो चरम घर्षण बल जो है सबसे ज़्यादा होता है, चरम घर्षण बल में सबसे ज़्यादा होता है। तो सर्पी और लोटनिक तो ये दोनों आगे क्या गति कर रहा है, सर्पी भी स्लाइड कर रहे हैं खींच रहे हैं तो वो भी गति कर रहा है, या घुलका रहे हैं तो वो भी गति कर रहा है, तो गति बल से क्या होता है चरम घर्षण बल अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गति घर्षण बल चलम घर्षण बल से गति घर्षण बल कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि चरम घर्षण बल अधिक होता है तो गति घर्षण बल कम हो, कम हो जाएगा यानी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे हार्ड क्वेश्चन है फिजिक्स में, अभी जितना भी क्वेश्चन है आला या केमिस्ट्री में जो पढ़िएगा अभी बताएंगे हम, सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोला किसी पत्थर को किसी भवन के छत के किनारे से गिराया गया है, ठीक है ना, तो यदि वह 2 मीटर ऊंची खिड़की, सिंपल सी बात है कि भवन में खिड़की लगाता है तो खिड़की को सिर्फ बता रहा है कि 2 मीटर ऊंचा खिड़की था, उसको 0.5 सेकेंड में वो 0.5 सेकेंड में वो पत्थर उसको पार कर देती है, तो खिड़की के ऊपरी किनारे से जहाँ से पत्थर को गिराया गया था, ऊपरी किनारे खिड़की के ऊपरी किनारे से छत के कितनी ऊपर, यानी छत जहाँ से पत्थर गिराई गई थी, तो चलो इसको देखो हम समझते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये मान लिया क्या है भवन, क्या है भवन, और ये मान लिया हम 2 मीटर ऊंचा खिड़की है, और यहाँ से पत्थर को गिराए हैं, तो खिड़की को जो है, खिड़की जो है 2 मीटर, उसको पार करने में कितना समय लगाया था, 0.5 सेकेंड टाइम लगाया है, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं, पहले यहाँ से लेके, तो हमको निकालना क्या बोल रहा है कि ये खिड़की की ऊपरी सतह से लेके छत के, छत की दूरी कितनी है बताना है, तो इसको मान लिया हम 1 मीटर, और यही मान लिया कि यहाँ से छत से खिड़की की ऊपरी सतह तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, T1 टाइम, कितना लग रहा है T1 टाइम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा हो, तो यहाँ तक T1 टाइम, तो 2 मिनट और जोड़ दो, 2 मीटर सॉरी, तो 0.5 सेकेंड और जोड़ दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम हो जाएगा T1 प्लस 0.5 सेकेंड, तो वही लिखे हैं पूरा टाइम बराबर T1 प्लस 0.5 सेकेंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम h माने हैं और ये 2 मीटर खिड़की है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल दूरी वो हो जाएगा, देखो वो लिखे हैं टोटल दूरी h प्लस 2 मीटर, ठीक है ना। और सिंपल सी बात है, यहाँ पत्थर थी तो वो स्थिर अवस्था था, इसलिए स्थिर अवस्था था तो प्रारंभिक वेग उसका 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और जब नीचे गिरता है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड लिख दिए हैं। चलो बनाते हैं, पहले हम यहाँ से लेकर क्या करते हैं, यहाँ तक की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करते हैं, उसको माइनस करेंगे तो मेरा क्या होगा, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, और जब टाइम निकलेगा तो ये हम क्या करेंगे, सूत्र में पुट करने का पता चल जाएगा। चलो पहले बनाते हैं, तो सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, सूत्र जो मेरा होता है वो होता है s = ut + ½ gt2, जैसे u का मान यहाँ 0 पुट करेंगे तो ut तो हो जाएगा मेरा 0, और यहाँ पर s का मान, s पर हम ये ले रहे हैं h मीटर ले रहे हैं, तो s के यहाँ पर हम h लिखे हैं, हाफ का हाफ, ये तो मेरा 0 हो गया, g मेरा कितना है लिखने भूल गए थे, यहाँ लिख दो आप लोग 9.8, कितना है 9.8, और T1 तो पता नहीं है कितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा, यहाँ से यहाँ तक पता है 0.5, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना लगा पता नहीं है, तो छोड़ दिए उसको, समीकरण 1 माने हैं। अब हम क्या करते हैं, पूरा दूरी लेते हैं यहाँ से लेकिन यहाँ तक लेते हैं, तो वो दूरी हो जाएगा h + 2, तो देखो लिए हैं h + 2, फिर हाफ u2, तो u तो 0 में रहते हैं, 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, हाफ का हाफ जी 9.8 है, और t मेरा क्या है, तो t मेरा टोटल टाइम, तो T1 + 0.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम है T1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगा 0.5, तो उसको जोड़ दिए, और t का स्क्वायर करना था स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर यहाँ टी का स्क्वायर करें तो स्क्वायर कर दिए, जब उसका हाफ का हाफ 9.8 का 9.8, और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो a² + b² तो b² कर किए तो 0.25 आया, अब बीच में होता 2ab, a² + 2ab, तो 2 देंगे, और उसके बाद T1 देंगे, a तो मेरा T1 है, और b देंगे तो गुना करेंगे तो क्या होगा 2ab, तो 2 गुना जब b करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से जब T1 में गुना करेंगे तो 2ab मान होगा T1, और b² = 0.25 होगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 से 1 को घटाते हैं, क्यों, क्योंकि समीकरण 2 में जो ऊंचाई ज़्यादा है, समीकरण 1 में ऊंचाई कम है, तो इससे इससे घटाते हैं, तो घटाने पर क्या होगा देख लो आप लोग, जैसे ही घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर
एच से एच खत्म हो जाएगा तेरा, बचेगा सिर्फ मेरा दो, तो दो लिख दिए हैं। फिर यहाँ पर जब इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाफ यहाँ पर ध्यान देना, हाफ और जी का मान 9.8, तो हाफ 9.8 इसमें भी, हाफ 9.8 इसमें भी, तो हाफ 9.8 कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, T1 इसमें जो बच रहा था वो लिख दिए हैं, T1 प्लस T1 0.25 का स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो वो देखो हम लिख दिए T1 प्लस 0.25 का स्क्वायर, और उसमें क्या होगा, ये T1 का स्क्वायर घट जाएगा, जैसे घटेगा तो दोनों का क्या होगा, खत्म हो जाएगा, 200 से काटेंगे तो कितना होगा, जो 4.9, ठीक है ना, और 4.9 और ये 4.9 से जब T1 में गुना करेंगे तो 4.9 T1 हो जाएगा, फिर 4.9 ये काटेंगे तो 4.9 आएगा, और फिर 4.9 से 0.25 में गुना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है ना। अब इसको हम ये पार कर देते हैं, जैसे ये पार करेंगे तो दो में से माइनस हो जाएगा, दो में से माइनस होगा तो इधर क्या बचेगा, 4.9 T1 का 4.9 T1। अब हम T1 का मान निकालते हैं, तो 4.9 से इधर पार करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले घटा दो तो इतना आया है, अब 4.9 इधर पार करेंगे तो जब 4.9 से भागा देंगे तो आएगा मेरा 0.15 सेकेंड, ठीक है ना। अब T1 पता चल गया है, तो h ऊंचाई पता आराम से पता कर सकते हैं, क्योंकि कितना ऊंचा है यहाँ से यहाँ तक, तो ऊंचाई बराबर क्या है मेरा, हाफ GT1 का स्क्वायर, क्योंकि u का पुट मान पुट करने पर 0 हो गया, तो ये बचा हाफ GT1 का स्क्वायर, जैसे मान पुट कर दो तो हाफ G9.8 है, और T1 कितना है मेरा, टाइम कितना लगा है, तो 0.15 सेकेंड भी पता कर लिए, तो यहाँ पुट किए तो पुट करने पर हल करने पर कितना आया, 1.2 मीटर आंसर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सबसे दमदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग, पलायन वेग का मतलब क्या है कि हम किसी वस्तु को लें, किसी पत्थर को लें और इतना कस के ऊपर फेंके, इतना ताकत लगा ऊपर फेंके कि वो पृथ्वी पर लौटकर ही नहीं आए, तो उस वेग को कहेंगे पलायन वेग, जितना वेग से हम फेंके उसको बोलेंगे पलायन वेग। तो पृथ्वी से किसी वस्तु को, जैसे हम यहाँ से उपग्रह को लॉन्च करते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो उसको एक वेग दिया जाता है कि उतना वेग से फेंकेंगे ना तो वो क्या होगा, पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। तो अगर हम पत्थर को भी उतना वेग से अगर फेंक सकते हैं, उतना ताकत तो नहीं है, कोई भी नहीं फेंक सकता है, अगर उतना वेग से फेंक दिया तो वो पृथ्वी पर फिर लौट के नहीं आएगा। तो पलायन वेग का जो मान होता है वो होता है 11.2 मीटर पर सेकेंड उसका त्वरण होना चाहिए। अगर पृथ्वी पर अगर आप लोग कोई पत्थर को 11.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सॉरी 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर दूरी जाना चाहिए, अगर इतना किलो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से अगर आप लोग किसी पत्थर को यहाँ से फेंकेगा तो डायरेक्ट पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगा, वो अंतरिक्ष चला जाएगा, ठीक है ना। तो उसी को बोलते पलायन वेग। तो पलायन वेग जो द्रव्यमान पर नहीं करता, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ उसको वेग मिलना चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उसको वेग सिर्फ मिलना चाहिए, द्रव्यमान कितना उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ वेग उसको उतना मिलना चाहिए, नहीं है साइज पर भी निर्भर नहीं करता है, सिर्फ उसको वेग उतना मिलना चाहिए, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, हाँ स्वतंत्र होता है, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ वेग उसको चाहिए 11.2 किलोमीटर। तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना हुआ था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा पर पूछेगा तो होगा 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड, इसलिए क्या होता है इतना कम चंद्रमा पर होने के कारण वहाँ से जो हवा जो है वहाँ से पलायन कर जाता है, हवा जो है फिर चंद्रमा को छोड़ के निकल जाता है, क्योंकि उसका वेग उतना कम है, तो हवा का वेग उतना रहता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और सूर्य पर जो है पलायन वेग का मान काफ़ी अधिक होता है, सूर्य पर जो पलायन वेग का मान होता है वो होता है 42 किलोमीटर पर सेकेंड लगभग, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, शायद आप लोग पलायन वेग समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4, तो त्रिज्या दिया गया यानी आर का मान दिया गया है, तो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, याद कर लेना, ये तो आज आप लोग को होना चाहिए कि बुक में दे दिया है। गुरुत्व त्वरण दिया है 09.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। उसके बाद नियतांक का मान भी आप लोग को याद रहना चाहिए, इसे बुक में दे दिया है लेकिन नहीं देगा कभी कभी, क्योंकि ये सब याद रहना चाहते हो, कितना था 6.7 × 10⁻¹ⁱ, इसका मात्रक भी याद कर लेना, तो क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और ये इतना चीज़ दिया गया है, पूछ रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान निकाले, तो पृथ्वी का द्रव्यमान तो कितना लोग को ऐसे ही याद रहता है, पृथ्वी का द्रव्यमान तो कितना लोग को ऐसा रहता है कि 6 × 10⁻²⁴ kg होता है, ठीक है ना। तो चलो हम निकाल के बताते हैं, तो निकालना है पृथ्वी द्रव्यमान, तो m बराबर पृथ्वी द्रव्यमान बराबर क्या होगा, होता है जी बराबर होता है जी कैपिटल जी बटा पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान, उसके बाद नीचे आर स्क्वायर, ये होता है सूत्र, इसमें आप मान पुट कर दिए तो निकल जाएगा जी का मान कितना है 9.8। उसके बाद अच्छा ये सूत्र आया कहाँ से, आप लोग जानते हैं बराबर क्या होता है एम ए, और एम ए जहाँ पर हम एम जी लिख देंगे तो एम इधर M1 × M2 होता है, एक एम कट जाएगा तो एम बचेगा नहीं, पृथ्वी द्रव्यमान बच जाएगा, ठीक है ना। तो उससे आया है सूत्र, जी का मान कितना है 6.7 × 10⁻¹ⁱ। उसके बाद एम का मान नहीं पता, एम का मान निकालना है। उसके बाद आर कितना है, तो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे
6.4 × 10⁶ मीटर। और यहाँ पर स्क्वायर का सूत्र में स्क्वायर तो स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको इधर भेज दो, ठीक है ना, और इसको इधर भेज दो तो एम का मान आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आप लोग का 6 × 10⁴ kg, ठीक है ना। ये आप लोग को याद भी होना चाहिए, ठीक है। हम सॉल्यूशन नहीं करें ज़्यादा, वीडियो लंबा जाएगा, आप लोग सॉल्यूशन इतना तो आप लोग करिए, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अगला है, किसी स्थान पर सरल लोलक की लंबाई 1 मीटर और उनके दोलन की आवर्तकाल 2 सेकेंड है, तो उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करें। देखो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पहले ज्ञात करते हैं कि हम बताते हैं आप लोग को कि आवर्तकार को टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। आवर्तकार गुरुत्वीय त्वरण में संबंध क्या होता है, टी बराबर होता है, याद रखना ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टी बराबर होता है 2π√L/g। अब यहाँ पर एल क्या है, सरल लोलक की लंबाई है, जो वो इस घड़ी उड़ी में लगा होता है, पेंडुलम जैसे हिलता है उसकी लंबाई, और जी क्या है मेरा गुरुत्वीय त्वरण, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण ही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है, तो इससे इससे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बताओ अगर लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकार भी बढ़ेगा, अगर लंबाई घटेगा क्योंकि ऊपर है समानुपाती होगा तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकार बढ़ेगा और लंबाई घटेगा तो आवर्तकार घटेगा, ठीक है ना। इस पर क्वेश्चन बनता है कि कोई लड़की झूला पर बैठा है, अगर वो खड़ा हो जाता है तो क्या होगा, तो खड़ा होने पर क्या होगा उसका लंबाई, जैसे खड़ा होगा तो क्या होगा उसका लंबाई थोड़ा मतलब जहाँ बैठा है उसे ऊपर उठ जाएगा, ऊपर उठेगा तो क्या होगा जो रस्सी की लंबाई कम हो जाए, कैसे कम होगा क्योंकि उसका द्रव्यमान पहले काफ़ी नीचे बैठाता था, रस्सी इतना लंबा था, अब थोड़ा इतना ऊंचा उठ गया था, रस्सी इतने बचाना तो लंबाई कम होगा, तो क्या होगा आवर्तकार घट जाएगा, आवर्तकार घटेगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगा, क्योंकि आवर्तकार आवृत्ति एक दूसरे का दुश्मन है, उल्टा संबंध होता है, ठीक है ना। आवर्तकार बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगा तो आवर्तकार घटेगा। चलो इसको हम बात करते हैं, तो टी बराबर, तो इसका क्या कहते हैं रूट में, तो सॉल्व करने बने तो स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2, इधर भी असर करने बाद करना पड़ेगा, तो 2 का असर करेंगे 4π का असर करेंगे तो 4π² और L का असर करेंगे तो L का रूट अंडर समाप्त हो जाएगा, जी का असर करेंगे तो जी का भी रूट अंडर समाप्त हो जाएगा। अब इसे मान पुट कर दो, T का मान कितना दिया गया है, दिया गया है आपका तो देखो यहाँ पर 1 मीटर दिया गया है, तो L के यहाँ पर हम 1 मीटर पुट करेंगे, क्या करेंगे 1 मीटर, ठीक है ना। और 4 का 4 और पाई का मान कितना होता है 22/7, कितना होता है 22, या इसका मान आप लोग 3.14 भी पुट कर सकते हैं, तो चलो 3.14 लिखो, पाई का मान 3.14 पुट करो तो स्क्वायर करेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा 3.14, उसके बाद एल का मान कितना है, तो यहाँ दिया गया है 1 मीटर और जी निकालना है, ठीक है ना, कितना उस पर जी लग रहा है, कितना जी लग रहा है बताना है, पृथ्वी पर बात नहीं कर रहा है, पृथ्वी पर कहते तो राइट 9.8 मारते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ चेक करना है पृथ्वी पर है क्या ये नहीं बताया गया है, इसलिए जी निकालना पड़ेगा। और टी कितना दिया गया है, तो जी का जी छोड़ दो, टी कितना दिया गया, तो यहाँ देखो टी दिया गया है 2 सेकेंड, तो 2 लिखो आप, जी को इधर कर दो तो जी को इधर करेंगे तो इधर आएगा 4 × 3.14 × 3.14 × 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 इधर आएगा, तो आप लोग जो काटिएगा तो 2 से 2 खत्म है, जो गुना कीजिएगा सबका तो आप लोग का आंसर आएगा। और यहाँ कुछ गलती हुआ, यहाँ टी स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पूरा जब गुना करिएगा तो आएगा आप लोग का 9.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है, त्वरण का समय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड को h और 2h ऊंचाई पर रखा गया तो उनकी स्थिति ऊर्जा का अनुपात क्या होता है, आप लोगों को स्थिति ऊर्जा का अगर सूत्र याद होगा तो फटाफट से बता दीजिएगा, स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, ठीक है ना। तो ये h पर डिपेंड करता है, h पर जब डिपेंड करता है तो जितना ज़्यादा ऊंचाई रहेगा उतना उसका स्थिति ऊर्जा भी रहेगा, तो पहले h है तो h अनुपात होगा, फिर दूसरा क्या हुआ अनुपात पूछ रहा है ना, तो अनुपात दिए, दूसरा क्या है दुगना ऊंचाई कर दिया तो उसका स्थिति ऊर्जा भी क्या होगा दुगना ऊंचाई हो जाएगा, यानी दुगना बढ़ जाएगा, तो 2h और h काट दो, h और h काट जाएगा क्या आएगा 1:2, ऊंचाई बढ़ने पर स्थिति ऊर्जा बढ़ता है, तो पहले h ऊंचाई पर था फिर 2h ऊंचाई पर था तो दोनों का अनुपात किए तो h कट गया, तो यहाँ 1:2 आंसर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला जो है, किसी रेडियो तरंग की आवृत्ति दिया गया है, आवृत्ति 450 की तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, वेग दिया गया है, तो आप लोग सूत्र जानते होंगे, नहीं जानते तो बता रहे हैं, ठीक है ना। सूत्र होता है क्या, वेग बराबर, ठीक है ना, वेग बराबर होता है आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति गुना तरंग दैर्ध्य, या इसको बोलते हैं वेग बराबर, इसको हम आवृत्ति को म्यू से निकल करते हैं तो, या एन के लिखा जाता है, और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से, तो ठीक है इसमें मानपुट करो तो भी कितना दिया गया, भी दिया गया तो वेग दिया गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ लिख दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आवृत्ति भी दिया गया कितना 450 kHz, तो 450 kHz, तो किलो का किलो मतलब होता है 1000 का मतलब 10³, और लैम्डा का लैम्डा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य निकालना है, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा के निकल करते हैं, और तरंग दैर्ध्य का साइन मात्रक एंगस्ट्रम होता है, अब लैम्डा निकाले तो उसके इस बार ये साइड भेज दो तो 3 × 10⁸, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा कितना 4500
और 10^3 का 10^3, और उसको काट दो, यहाँ 3 जाएगा तो क्या होगा, 3 पावर घट जाएगा तो होगा ऊपर 3 × 10^5, और नीचे 750 का 750, एक जीरो और कट जाएगा तो होगा कितना, 3 × 10^4, नीचे 45 का 45, और 5 से काट दो तो कितना होगा 15, तो 15 तो 10 यहाँ हो जाएगा, कितना ऊपर हो गया 10,000, क्योंकि 4 × 4 = 10, 10^4 तो 10,000 नीचे हुआ 15। और जब आप लोग भाग दीजिएगा तो भाग देने पर आप तो भाग दे, देख लो 15×6 90, फिर 10^5, फिर 15×6 90, फिर इस तरह चलते रहेगा, 6 6 चलते रहेगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो 10^2, ठीक है ना, तो इतना आएगा आप लोग का तरंग धैर्य, ठीक है ना, तो ये होगा आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा 6.6 × 10^2 मीटर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तरंगदैर्ध्य क्या है, पर लंबाई से उसका सही मतलब एंगस्ट्रम भी होता है, एंगस्ट्रम में भी व्यक्त किया जाता है, एंगस्ट्रम बराबर 10^-10 मीटर होता है, ठीक है ना। और चलो अगला ध्वनि तरंग है, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य क्या है, अनुदैर्ध्य, और ध्वनि तरंग को संचरण के लिए माध्यम की जरूरत पड़ता है, इसलिए इसको माध्यम का जरूरत पड़ता है, इसको हम जो है यांत्रिक तरंग बोलते हैं, यानी अंदर होकर चलता है, ठीक है ना। और यानी अब बात करता है कि सबसे ज़्यादा ध्वनि का चार्ज किसमें होगा, ध्वनि का जो चार्ज सबसे ज़्यादा होता है वो होता है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में, सबसे कम होता है ध्वनि चार्ज गैस में, ठीक है ना। और इस ठोस में भी पूछा सबसे ज़्यादा किसमें, तो होता है सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, किसमें होता है इस्पात में ध्वनि चार्ज सबसे अधिक होता है, ध्वनि कैसा है तो अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ होता है, ठीक है ना, इतना आप लोग को जानना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है क्या, प्रतिध्वनि यानी ध्वनि का टकरा कर लौटना, यानी ध्वनि का परावर्तन, प्रकाश का टकरा कर लौटना किस सतह से प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, उसी प्रकार ध्वनि का टकरा कर किसी सतह से लौटना ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। अच्छा, दो ध्वनि के सतह के परावर्तन ध्वनि को सुनने के लिए दोनों के बीच की कितना दूरी होना चाहिए, तो कम से कम 7.2 मीटर दूरी होना चाहिए, तब ही हम प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं, ऐसे नहीं सुन सकते हैं, ठीक है ना। और दो ध्वनि के प्रतिध्वनि को सुनने के लिए दो ध्वनि के बीच टाइम का कितना अंतर होना चाहिए, टाइम का अंतर होना चाहिए 1/10 सेकेंड, तब हम दो ध्वनि को सुन सकते थे, ये दूरी 7.2 और टाइम 1/10, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बता दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा है कौन सा कथन सही है, तो कार्य उष्मा में कोई संबंध नहीं है, तो कार्य उष्मा ऊर्जा तीनों लगभग एक ही होता है, तो हाँ संबंध है, तो कार्य और उष्मा आपस में संबंध है, ठीक है ना, जूल जूल जूल, ठीक है ना, क्योंकि क्या सही मात्रा जूल, उष्मा का भी जूल होता है, किलोली भी होता है, उष्मा का सही मात्रा क्या होता है, तो उसमें का सही मात्रा बता चुके हैं कि कार ऊर्जा जो उसमें सबका जूल होता था, जूल होगा क्या होगा, जूल, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि कैलोरी भी होता है, कैलोरी कब होता है, तो सीजीएस मात्रा होता है कैलोरी, ठीक है ना। अगर बताते किसी ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकरणों में समान होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जब एक ही जो ताप है जिस पर दोनों का समान होता है वो होता है -40°C, ये आर के वैल्यू -40°C, तो इसका आंसर हो जाएगा -40°C। एक चीज़ और बता देते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र कि फ़ारेनहाइट सेल्सियस केल्विन में क्या संबंध होता है, तो देखो ये तीनों संबंध होता है C/5, ये सुधार कर लेना, सेल्सियस/5 फ़ारेनहाइट -32/9 बराबर केल्विन -273/5, ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को फ़ारेनहाइट दे देगा तो पूछेगा सेल्सियस का मान बताओ, तो ये फ़ारेनहाइट का यहाँ मान पुट कीजिएगा, ये दोनों लीजिएगा तो सेल्सियस का मान पता चल जाएगा, कभी कभी सेल्सियस दे देगा और पूछेगा केल्विन का मान बताओ, तो ये दोनों का यूज कीजिएगा, सेल्सियस का मान यहाँ पुट करिएगा और ये पार कीजिएगा तो केल्विन का मान निकल जाता है, ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और -40°C इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं ठोस पदार्थ का उपयोग कर थर्मामीटर प्राय नहीं बनाए जाते, क्योंकि थर्मामीटर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा ताप बढ़े उसका पाठ्यांक जो ऊपर चढ़ जाए बताने लगे, तो देखो यहाँ पर ठोस पदार्थ का उपयोग करेंगे तो ताप तो बढ़ने पर भी इसका जो है प्रसार यानी इसमें फैलेगा काफ़ी कम फैलेगा, यानी बताने में बड़ी प्रॉब्लम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रति डिग्री ताप परिवर्तन से ठोस की लंबाई में बहुत कम परिवर्तन होगा, इसलिए ठोस पदार्थ को जो है थर्मामीटर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम पानी का ताप 5°C से 95°C तक बढ़ाने में कितनी ऊष्मा मिल लगेगी, तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको हम सोल्व करते हैं, तो देखो आप लोग एक सूत्र होता है, बता रहे हैं एक सूत्र होता है Q = m, s लिखो या c लिखो, तो चलो s लिखते हैं × ∆T, s या c यहाँ पर लिख सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बोलते हैं s या c को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसका ऐसा ही मात्रक होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता के Kg इनवर्स केल्विन इनवर्स × कैलोरी या जूल, ठीक है ना। चलो इसको मान पुट करते थे, देखो ये क्यू होता है ऊष्मा, एम होता है द्रव्यमान, एस होता है विशिष्ट ऊष्मा धारिता और टी होता है ताप में परिवर्तन, तो इकाना हमको कितना ऊष्मा लगेगा, ठीक है ना, कितना ऊष्मा लगेगी, तो चलो मान पुट करो, तो एम कितना है मेरा, एम है
100 ग्राम, तो यहाँ पर 100 ग्राम पुट किए। उसके बाद एस जो जल का जो विशिष्ट ऊष्मा होता है वो याद करना, जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होता है 4200, क्या होता है 4200, और बर्फ का होता है इसका आधा 2100, और सबसे अधिक ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है, सबसे अधिक ऊष्मा धारिता विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो होता है वो जल का होता है, जल का होता है, ठीक है ना। यहाँ ताप में परिवर्तन कितना हुआ, 5 से 95 हो गया, यानी 90 परिवर्तन हुआ था, यहाँ 90 लिख दो। अरे अब सोल्व करो तो आप, और एक बात यहाँ याद और याद रखना है कि जो ग्राम में जो दिया गया है, यहाँ ग्राम में नहीं लिया जाता, यहाँ केजी में लिया जाता है, तो केजी में बदलेंगे तो होगा 0.1 केजी, ठीक है ना। और गुना 4200 गुना 90, जब गुना करिएगा तो आप लोग का आएगा 37800, तो 37800। और ऊष्मा का सही मतलब क्या होता है, जूल, तो यहाँ हो जाएगा जूल, तो इतना होगा आंसर, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है वाष्प के द्रवण में होता है, वाष्प के द्रवण मतलब क्या है, जब ज़्यादा उसको ताप मिला तो पानी जो है वाष्प में बदल गया, तो वाष्प का ताप ज़्यादा होगा, और जब वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो फिर बदल जाएगा पानी में, और पानी को ठंडा करेंगे तो बदल जाएगा बर्फ में, तो संघनन मतलब क्या होता है, ठंडा करना। तो वाष्प को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, ठंडा करने पर क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगा तब ना ठंडा होगा, जिसका आंसर होगा बी नंबर, ऊष्मा का उत्सर्जन। संघनन मतलब होता है वाष्प को जल में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन दी गई ऊष्मा को लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये कोई न्यूमेरिकल तैयार करने वाला है, तो इसका होगा 10% को जो है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जिसका आंसर होगा ए नंबर। अगला है अवतल दर्पण में अगर वस्तु को फोकस और पोल, पोल मतलब ध्रुव, जब हम छठा स्थिति पढ़े थे, हम पढ़ाए थे तो उसमें 10वां क्लास में, तो उसमें बताया था कि जब ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है अवतल दर्पण में वो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, सीधा बनता है, तो यहाँ पर होगा दर्पण के पीछे, ठीक है ना। अगला है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है, ऐसे तो आवेश सबको यह पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6×10⁻¹ कूलम, और प्रोटॉन पर भी इतना होता है, इतना ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का माइनस यहाँ लिख देते हैं, आप प्रोटॉन का यहाँ प्लस लिखते हैं, ठीक है ना। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है, तो हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र होता है क्यू बराबर आवेश बराबर, क्यू मतलब आवेश, यहाँ पर ऊष्मा था लेकिन यहाँ पर आवेश होता है, ठीक है ना, बराबर एनी, क्या होता है एनी, यानी मतलब नंबर ही, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। तो क्यू मतलब कितना बोल रहा है कि 1 एम्पीयर 1 सेकेंड में प्रवाहित हो, तो कितना, तो इसका मतलब हो गया कि 1 कूलम, 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो, तो 1 कूलम, ठीक है ना। ए मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है, ऐसे हम लोग जानते हैं भी कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1.6×10⁻¹ होता है, तो 1.6×10⁻¹ लिख दिए हैं। अब एन को इधर इसको इधर पार करेंगे तो यह होगा 1/1.6×10⁻¹। अब जब ये माइनस 1.6 को 1.6 लिख दो, ये पावर माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस में, ठीक है ना। अब क्या करते हैं यहाँ पर 100 लिख देते हैं, तो जब 2 शून्य निकाल लेते हैं, यहाँ बचेगा कितना, बचेगा यहाँ बचेगा आप लोग का 17 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 16, ठीक है ना। जब इसमें भाग देंगे 16 से, इसमें तो आएगा कितना 6.25×, चलो एक ही जीरो देते हैं, एक ही जीरो इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे दशमलव बल्ली 1 लिखाएगा, दशमलव बाद 1 अंक, तो 1 जीरो और ऊपर चल जाएगा, तो 1 ही जीरो देते हैं, तो यहाँ होगा 18, और दशमलव यहाँ हटा देते हैं तो 18 लिखें, 19 से यहाँ पर आते हैं, 18 लिखें, यानी 1 जीरो हम इसको दे दिए, और दशमलव बाद यहाँ पर क्या था 1 अंक था, दशमलव बल्ली वहाँ पर क्या होगा 1, और उसके बाद दशमलव बाद 1 अंक, तो 1 जीरो, ठीक है, तो 1 जीरो और बढ़ेगा, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 1 ही दिए। अब यहाँ पर कितना है, जब 16 से इसमें भागा देंगे तो आएगा 6.25×10⁻¹⁸ का 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन देखो ऑप्शन में तो ये नहीं है, यहाँ 18 के यहाँ पर 16 है, देखो तो 16 करने क्या करेंगे, तो यहाँ 16 अगर करते हैं हम तो 16 करेंगे तो यहाँ 2 जीरो निकलेगा, जब 2 जीरो से इसमें गुना होगा तो 10.2 अंक पीछे आएगा, तो हो जाएगा 6.25, 10.2 खत्म हो जाएगा 6.25×10⁻¹⁶ इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट। ऐसे तो कितना लोग तैयार होता रहता है कि 1 कूलम आवेश में 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आवेश के साथ मतलब कूलम होता है, ये भी याद रखना है। अगला है मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग में लाने वाला लेंस को होता है, तो कौन सा लेंस होता है, तो यहाँ पर निकट में 3 अक्षर से 4 अक्षर का यूज करेंगे तो होगा अवतल, क्या होगा अवतल, दूर में 2 अक्षर से 3 अक्षर का यूज करेंगे तो होगा उत्तल, तो दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल, ठीक है ना। अगला है माइक्रोफोन में किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतर करता है, माइक्रोफोन जो है किस प्रकार का ऊर्जा को किस प्रकार में बदल देता है बताना है, तो माइक्रोफोन में हम बोलते हैं तो हो गया ध्वनि ऊर्जा, तो ध्वनि ऊर्जा कहाँ शुरू में, तो यही है, तो इसको इसी को मार दो, लेकिन आगे बढ़ते हैं, ध्वनि ऊर्जा को वो विद्युत में ट्रांसफर करता है और तार द्वारा विद्युत जो है पहुँचता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आंसर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, एक गोलीय दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब, तो यहाँ पर दिया गया कितना 10 सेंटीमीटर, यानी वस्तु दूरी दिया गया 10 सेंटीमीटर, यानी यू का मान दिया गया 10 सेंटीमीटर, एवं रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर,
तब यहाँ पर वस्तु दूरी दिया गया है 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, दूरी पर बनता है। तो दर्पण का आवर्धन बताना है, तो आवर्धन m बराबर होता है v बटा u, लेकिन माइनस में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर v कितना दिया गया है 30, यानी वस्तु दूरी 30, और u यानी सॉरी प्रतिबिंब दूरी 30 है, u यानी वस्तु दूरी 10, 10 से जब 30 में भागा देगा तो आएगा 3, तो आंसर होगा मेरा 3, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस ऑप्शन नहीं दिया गया तो 3, ठीक है ना, लेकिन माइनस होगा तो सही 100% है। अगला मेरा है 1.5 वोल्ट वाले सेल से 15 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है, तो धारा का मान क्या होगा। तो ओम के नियम से जानते हैं हम लोग v बराबर IR, तो धारा मान निकालना, तो धारा को इधर ही छोड़ दो तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। तो V कितना दिया गया है, वोल्ट यानी V यानी विभवांतर का समय वोल्ट होता है, तो 1.5 और R कितना देगा 15 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का समय ओम होता है, तो 15 ओम दिया गया। आप काटेंगे इसको दशमलव बल्ली, यहाँ पर क्या हो जाएगा दशमलव बल्ली नीचे हो जाएगा, 15 का 15 रहेगा, दशमलव बल्ली नीचे हो जाएगा 10, और 15 खत्म, तो कितना होगा 1/10, और 10 से जब 1 में भाग देंगे तो आएगा 0.1 एम्पियर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला मेरा केमिस्ट्री आ गया है, ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो केमिस्ट्री तक ही समाप्त कर देंगे, उसके बाद मैथ का आएगा स्पेशल लेकर आएंगे इसी का, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पेट्रोलियम को दर्शाते हैं, तो याद रखा कि पेट्रोलियम में जो है एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, मेथेन होता है मार्स गैस में, जो जिसको बोलते हैं गोबर गैस में, ये होता है एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तीनों के प्रधानता होता है, और ज़्यादा होता है ब्यूटेन, जिसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो इसका बी नंबर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन नाभिकीय विखंडन, नाभिक का विखंडन हम लोग जानते हैं कि करता है, यूरेनियम का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में, या बम बनाने में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ये वाला यूरेनियम वाला, ठीक है ना। थोरियम का भी यूज किया जाता है, ज़्यादा यूरेनियम का, हाइड्रोजन का ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। बारूद होता है, तो बारूद जो क्या है, ये होता है चारकोर गंधक और सोरा का मिश्रण होता है, इसलिए आंसर होगा इसका ना सी नंबर करेक्ट। किसका क्या बोला है, फिर याद कर लो, चारकोर सोरा और गंधक। आगे बढ़ते हैं कि तत्व की द्रव्यमान 23 और उसके नाभिक में 11 न्यूट्रॉन है, तो तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। तो देखो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान को हम ए से निकल करते हैं, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या को जेड से निकल करते हैं, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया 23, तो यहाँ 23 पुट करेंगे, उसके बाद परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या दिया गया 11, तो यहाँ 11 पुट करेंगे, तो जब 11 इधर पार होगा बराबर का, तो 23 में से 11 घट जाएगा, तो बचाएगा कितना 12, तो इसका आंसर होगा 12, यानी जेड बराबर परमाणु संख्या हो जाएगा 12, यानी परमाणु द्रव्यमान में से न्यूट्रॉन की संख्या घटा देने पर परमाणु संख्या प्राप्त होता है। अगला है, यदि ए की परमाणु संख्या 13 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब होता है जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो 13 को लिखेंगे तो 2, 8 और लास्ट में होगा 3, 2, 8, 10, 13, 13, तो इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट। आप लोग इस तरह लिखने जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला, क्रोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नांकित में कौन होगी, तो क्रोनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद है, इसमें क्या होता है कि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन तरफ जाता है, यहाँ पर 4s2 होना चाहिए, लेकिन 4s2 नहीं होगा, इससे क्या होगा एक यहाँ से पार हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो याद रखना ये अपवाद है, यानी कि 4s2 दे देना, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है, याद रखना अल्फा का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद गामा का होता है, सबसे ज़्यादा आयनन क्षमता किसका होता है, तो अल्फा का, ठीक है ना। अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछेगा आप लोग को, सबसे ज़्यादा बताइए कि तरंगदैर्ध्य किसका होता है, तरंगदैर्ध्य भी सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद गामा का होता है। अच्छा, पूछेगा सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद अल्फा का होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा आवृत्ति और ऊर्जा भी सबसे ज़्यादा गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद अल्फा का होता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई परमाणु में दिया गया है कितना था और वो जो है इतना बदल गया, तो बताना है कि अल्फा बीटा का मान क्या होता है। यहाँ पर आप लोग समझना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ जाएंगे तो आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है ना। ध्यान दो, काफ़ी ध्यान दो अच्छा से, कि जब एक अल्फा की निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होता है और परमाणु भार में 4 की कमी होता है, और जब एक बीटा निकलता है तो परमाणु में 2 का वृद्धि हो जाता है, यहाँ कमी बताए थे तो माइनस दे देते हैं, फिर बोल रहे हैं जब एक अल्फा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 की कमी होगा परमाणु भार में 4 की कमी होगा, और जब एक बीटा निकलेगा तो परमाणु संख्या में 2 की वृद्धि हो जाएगा और परमाणु भार में कोई भी कमी नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि देखना है यहाँ पर कि परमाणु भार में तो यहाँ को कमी नहीं हो रहा है, तो परमाणु भार से हम पकड़ेंगे, तो यहाँ पर परमाणु भार में कितना कमी होता है, 1 निकलने पर 4, तो देखो यहाँ परमाणु भार में कितना कमी हुआ, तो यहाँ हुआ 8 कमी, यानी सिंपल सी बात है 8 कमी हुआ, तो 4 कमी कब होता है, जब 1 निकलता है, तो यहाँ 8 कमी हुआ, यानी 2 अल्फा निकला होगा, जब 2 अल्फा निकला होगा तो 1 अल्फा निकलने पर परमाणु भार में 2 की
सॉरी परमाणु संख्या में दो की कमी होता है तो दो को अल्फा निकला है तो चार कमी होना चाहिए, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम क्या कि चार की कमी नहीं, यहाँ दो का कमी हुआ। इसका मतलब क्या है कि बीटा एक एक बीटा निकलने पर क्या होता है, परमाणु संख्या में जो होता है वो सॉरी एक की वृद्धि होता है, कितना होता है एक की वृद्धि होता है। तो यहाँ पर परमाणु संख्या में चार की कमी होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि दो को बीटा भी निकला होगा, जिसका कारण क्या होगा दो बढ़ गया होगा, दो बढ़ जाएगा तो कितना कमी होगा परमाणु संख्या में दो की, तो होगा इसका दो और दो, तो दो दो परमाणु संख्या अथी दो अल्फा निकला होगा और दो बीटा निकला होगा, आंसर नंबर ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अणु में द्विबंध नहीं है, तो ऑक्सीजन को लिखेंगे तो ऐसे ऐसे दो बंध आ गया, देखो बीच में दो बॉन्ड आ गया, CO2 को लिखेंगे भी तो होगा सी इधर दो ठो इधर दो ठो डबल बॉन्ड आ गया दोनों तरफ, इसमें भी होगा डबल बॉन्ड, लेकिन NH3 को लिखेंगे तो क्या होगा एन में एक इधर और एक इधर, यानी सिंगल बॉन्ड हो रहा था, इसका आंसर होगा मेरा डी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला है 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड सूत्र होता है CO2 और इसमें कार्बन होता है, कार्बन संख्या परमाणु संख्या 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 होता 16 दुनिया हो जाएगा 32, जोड़ेंगे तो होगा कितना 44। तो देखो 12 कार्बन जलता है तो 44 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना, तो एक कार्बन जलेगा तो कितना बनेगा 44/12, तो 30 ग्राम यहाँ बोल रहा है तो 30 ग्राम जलेगा तो कितना वो होगा तो 44/12 गुना 30 कर देंगे, तो काटेंगे तो काट दो इसको तीन से अति छः से काटो 6 × 12 6×5 30 दो से काटो तो यहाँ पर कितना होगा 22, तो 22 से कितना आ जाएगा 110 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो 110 ग्राम आंसर। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम का संयोजकता 3 एवं सल्फेट मूलक इसका संयोजकता 2 तथा एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा, तो एल्युमिनियम का 3 और सल्फेट का 2 इधर हो जाएगा ऐसे हो जाएगा तो हो जाएगा Al2SO4 3, तो Al2SO4 3। अगला है यदि कार्बन के परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12, तो एक मोल बराबर दिया गया है 12 ग्राम, एक मोल बराबर जानते हैं कि एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 × 10²³ होता है, याद रखना है एक मोल बराबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है 6.022 × 10²³, ठीक है ना, परमाणु और इधर 12 ग्राम, तो पूछ रहा है कि एक परमाणु बराबर कितना होता है, एक परमाणु बराबर क्या होता है, एक परमाणु बराबर तो इसको इधर पार करेंगे जैसे 10 रुपया में 20 आम, तो 1 रुपया में कितना आम, तो 10 को इधर पार करेंगे 20/10 यानी 2 आम, उसी प्रकार इतना परमाणु बराबर 12 ग्राम तो एक परमाणु बराबर कितना, तो इधर जब इसको पार करेंगे तो नीचे हो जाएगा तो हो जाएगा 6.022 × 10²³, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 10²³ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अब 12 हो जाएगा 6.022 और जब इसको हम सोल्व कीजिएगा दशमलव बल्ली ऊपर और जाएगा तो जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 1.99 × 10²⁻³ ग्राम, ठीक है ना, तो इसमें आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, हम बता चुके हैं कैसे बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पेरिस प्लास्टर को सूचित करता है, तो हम जानते हैं प्लास्टर और पेरिस का सूत्र क्या होता है, CSO4 2 × 1/2H2 होता है क्या, नहीं, जब होल टू यहाँ होगा तो यहाँ पर 2H2 होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर क्या है CSO4 2 तो यहाँ पर सॉरी CSO4 जब यहाँ पर होल टू है तो यहाँ पर H2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए H2, आधा नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर CSO4 2 है तो यहाँ पर H2O है, हाँ जब ये 2 हटेगा तो हो जाएगा क्या CSO4 × 1/2H2O, तो यहाँ पर CSO4 अगर रहता 2 नहीं रहता तब ये सही हो जाता, लेकिन जब यहाँ 2 है तो यहाँ पर पूरा H2O होना चाहिए, ये मेरा बी नंबर करेक्ट होगा, और ये कब करेक्ट होगा जब यहाँ 2 नहीं रहेगा तो हाफ सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन लोहे का अयस्क नहीं है, तो लोहे का अयस्क जो होता है हेमेटाइट मैग्नेसाइट सीडेलाइट, ये तीनों जो है लोहे का अयस्क है, और मेलेटकाइट ये लोहे का अयस्क नहीं होता है। जर्मन सिल्वर किस संगठन से मिलकर बनता है, जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर जिंक निकेल से मिलकर बनता है, कॉपर जिंक निकेल और पीतल बनता है, पिताजी बता चुके हैं, पिताजी मतलब पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जिंक मतलब जस्ता, यानी पीतल बनता है तांबा और जस्ता का मिलकर। निम्नलिखित में कौन सी किस्म का कोयला उच्च कोटि का माना जाता है, सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का होता है एंथ्रासाइट, उसके बाद दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाटाइट, चौथा सबसे खराब कोयला होता है पिट कोयला, क्या होता है पिट कोयला। तो भारत में जो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस, सबसे भारत में जो पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना, सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट। अगला बढ़ते हैं, एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, एल्काइन में आयन लगाए तो -2 होना चाहिए, तो -2 वाला होगा, ये होगा एल्किन वाला, ये होगा एल्केन वाला, ठीक है ना, याद कर लेना है। हेमत बनाने वाले साबुन अधिक झाग बनाता है तथा शीघ्र सूखता नहीं है, या निम्नलिखित किसकी उपस्थिति के कारण है, तो ये लेजिन के कारण है, लेजिन का काम है झाग को ज़्यादा उत्पन्न करना, और ये ग्लिसरॉल का काम है जल्दी झाग को सूखने नहीं देना। आप लोग पढ़े होंगे जब अपमार्जक, तो उसमें ग्लिसरॉल यूज होता है, तो अपमार्जक में झाग काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, रेजिन का भी यूज होता है, ठीक है ना, तो
इसका रेजिन का काम होता है झाग जरा उत्पन्न करना, गैसों का काम होता है जल्दी सूखने नहीं देना। अगला है एथिल अल्कोहल को वाष्प को अपकृत तांबे के ऊपर। एथिल अल्कोहल का मतलब क्या हुआ, दारू। दारू का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH, या इसको बोलो दो कार्बन का मतलब C2 और 3 2 5 यानी CH5OH। तो ये हुआ मेरा एथिल अल्कोहल, ठीक है ना। इसमें क्या होगा 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करके तांबे क्या किए, तांबे अपकृत किए, तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो है कार्बन तो दो ही रहेगा, ठीक है ना, कार्बन तो दो ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो जाएगा, हाइड्रोजन एक हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरा क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा CH2CHO। तो यहाँ पर कितना था, 5 था, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो ये मेरा बना लेगा एसीटाल्डिहाइड, एसीटाल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं एसीटाल्डिहाइड CH2CHO, ठीक है ना, CH2 नहीं CH3 और CHO। तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ 5 था, एक हाइड्रोजन कमी हो गया, हाइड्रोजन क्या हुआ ऑक्सीकृत हो गया, ऑक्सीजन के साथ मिलके जल बना के उड़ गया। आगे बढ़ते हैं, बुना एस रबर का निर्माण होता है। तो बुना एस रबर का याद कर लेना आप लोगों को कि बुना एस रबर का जो निर्माण होता है वो होता है ब्यूटाडाइन एवं स्टाइरिन के अणुओं के जुड़ने से होता है, याद कर लेना, ठीक है ना, ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के अणुओं के मिलने से होता है। किसी परमाणु में परमाणु संख्या में पाए जाने वाला मौलिक कण है, परमाणु किसी परमाणु में समान संख्या में, समान संख्या में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कभी समान नहीं होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होगा या प्रोटॉन के बराबर होगा, और लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा समान होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइनस में या प्रोटॉन प्लस में दोनों की संख्या बराबर होने पर दोनों एक दूसरे काट देता हो जाता है, उदासीन क्या जाता है, इसलिए परमाणु हमेशा उदासीन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जिसमें होगा प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, आंसर डी। अगला है STP पर, याद रखना कि STP पर जो होता है, STP पर जो होता है एक मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। यहाँ लिखे STP पर कितना दिया गया है, 44.8 दिया गया है। एक मोल में 22.4 लीटर, तो कितना मोल में 44.8 इससे दुगना हो गया, तो एक मोल में इतना, तो यहाँ पर 22 का दुगना हो गया, तो यहाँ पर भी दो मोल हो जाएगा, एक मोल में 22.4 लीटर, तो दो मोल में 44.8 लीटर होगा, तो यहाँ होगा दो मोल, क्या होगा दो मोल। अगला है मेंडली की आवासानी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार, तो मेंडली की आवासानी जो था वो तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, याद रखना परमाणु द्रव्यमान। और जिस समय मेंडली ने अपना परमाणु संख्या को आवासानी दिया था उस समय 63 तत्व था, ठीक है ना, याद रखना। और न्यूलैंड ने दिया था वो अष्टक नियम, उसमें परमाणु द्रव्यमान ही था लेकिन अष्टक नियम का पालन किया था, ठीक है ना। और डोबेलेनियर जो था वो तिर्यक नियम, क्या दिया था, तिर्यक नियम दिया था। और लास्ट में था मोस्ले जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवासानी जो दिया है वो मोस्ले का देन है, ठीक है, लेकिन मेंडेलीव का काफ़ी बड़ा योगदान था। तो आधुनिक आवासानी जो है परमाणु संख्या के अनुसार है जिसे मोस्ले ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, किसी बिलियन के 500 मिलियन में से एक पदार्थ 0.5 ग्राम अनुघुला है, तो बिलियन की मोलता बराबर होता है जितना विलय घुला हुआ है, उसको ऊपर लिखो तो कितना विलय घुला हुआ है, 0.5 ऊपर लिखो, फिर कुल बिलियन कितना है 500, तो 500। और याद रखना मोलता जो होता है वो लीटर में होता है, तो देखो मिली, तो मिली ये सब लीटर में आता है। और यहाँ पर अगर लो देते दे रो देते तो होता मोलता, तो मोलता में होता है यहाँ पर केजी में, तो इतना नहीं आना चाहिए, यहाँ मोलता है तो मोलता है, यहाँ मिली लीटर, ठीक है लीटर में होना चाहिए, तो ठीक है। और निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलता निकालने के लिए 1000 से गुना करते हैं, क्योंकि एक लीटर में 1000 होता है, 1000 से गुना करते हैं, गुना करेंगे तो ये कट जाएगा 2 और 2 से 5 में गुना करेंगे तो आएगा 0.0, 10.0 मान नहीं होता तो होगा इसका आंसर 1, ठीक है ना। किसी बिलियन में हाइड्रोजन का आयनों का सांद्रण 0.11 mm है, तो उस बिलियन का pH मान क्या होता है, हम जानते हैं pH बराबर क्या होता है, pH बराबर होता है माइनस log H प्लस का सांद्रता, यानी हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघुगणक ऋणात्मक मान। तो इसे पुट करेंगे तो देखो माइनस लोग का माइनस लोग और H प्लस का मान कितना दिया गया 0.01, इसको लिख सकते हैं हम क्या 10 पावर क्या लिख सकते हैं -2, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 पावर/100 और 100 को जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पावर -2। तो यहाँ पर H+ के पास क्या लिखेंगे 10 पावर -2। हम जानते हैं कि लोग यहाँ पर 10 पावर log 10 का मान 1 होता है, तो इस प्रकार यहाँ पर log 100 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और माइनस का माइनस हो जाएगा, फिर एक माइनस यहाँ पर है तो माइनस क्या है प्लस, तो +2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, लोहे का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन है, तो लोहा का सबसे अधिक जो शुद्ध रूप है वह पिटवा लोहा, कौन सा है पिटवा लोहा, याद कर लेना, ठीक है ना। अगला है कॉपर मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक धातु में परस्पर एक दूसरे को विस्थापित करने की क्षमता निम्न क्रम में घटती हुई सबसे ज़्यादा पहले लिखना है घटता है और जो
कम है उसको बाद में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा किसका होता है, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, उसके बाद क्या होता है हाइड्रोजन, उसके बाद होता है कॉपर, उसके बाद होता है चांदी, चांदी का Ag, उसके बाद होता है सोना का Au, और उसके बाद होता है प्लेटिनम का Pt। तो सबसे पहले यहाँ देखो सबसे ज़्यादा पहले चेहरा किसका हो रहा है इसके अनुसार, सबसे ज़्यादा हो रहा है यहाँ कैल्शियम, तो कैल्शियम एक नंबर में, उसके बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दो नंबर में, उसके बाद जिंक, उसके जिंक तीन नंबर में, और कॉपर लास्ट में। तो देखो कहाँ पर है, कैल्शियम एक नंबर, मैग्नीशियम दो नंबर, जिंक तीन नंबर, कॉपर चार नंबर, तो सी नंबर सही हो रहा है यार। करना सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है पोटेशियम का, उसके बाद बेरिलियम का, उसके बाद कैल्शियम का, उसके बाद सोडियम का, उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद एल्युमिनियम का, उसके बाद जिंक का, उसके बाद लोहा Fe का तीन, उसके बाद SN का, Pb यानी सीसा का, उसके बाद हाइड्रोजन का, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद Ag मतलब चांदी का, उसके बाद Au मतलब सोना का, उसके बाद Pt मतलब प्लेटिनम का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। श्वेत फास्फोरस पी से लाल फास्फोरस बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग करता है, तो याद रखना श्वेत फास्फोरस जो होता है काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है, ठीक है ना। और लाल फास्फोरस जो माचिस में यूज करते हैं उसका नोकला नोक देखो लाल रहेगा या काल रहेगा, तो उसका थोड़ा क्रियाशीलता कम रहता है, ठीक है ना। तो श्वेत को लाल में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं, किसका करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलबिन TNT का फुल फॉर्म है, ट्राई नाइट्रोटोलबिन का इस्तेमाल होता है, तो ये विस्फोटक के रूप में होता है। आप लोग पढ़ेंगे पुलवामा अटैक जो हुआ था उसमें RDS का इस्तेमाल हुआ था, RDS भी क्या था विस्फोटक पदार्थ था, और TNT भी क्या है विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है ना। तो इसका होगा विस्फोटक पदार्थ के रूप में। हेबर पराक्रम में किस तरह का उपयोग, हेबर पहले याद रखना कि हेबर विधि द्वारा क्या बनाया जाता है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है, और हेबर विधि द्वारा अमोनिया बनाया जाता है तो वहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, तो वहाँ पर क्या जाता है उत्प्रेरक के रूप में मिश्रित लोहा होता है, किसका, तो मोलिब्डेनम का, मोलिब्डेनम मिश्रित लोहा, इसका आंसर होगा बी नंबर। तो बताओ आप लोग कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दें और बताएं कमेंट जरूर करके वीडियो कैसा लगा है, तो हम आप लोगों को कमेंट के अनुसार, आप लोगों के रिस्पॉन्स के अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो लेते आएंगे 2004 का, उस प्रकार हम 2028 तक खत्म कर देंगे, ठीक है ना। और कल हम देखो मैथ थोड़ा लेकर आते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होगा इसलिए मैथ का हम अलग से लेकर आएंगे, ठीक है ना, और मैथ का तो काफ़ी अच्छा सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को काफ़ी अधिक से अधिक शेयर करें कि काफ़ी लोग पर पहुँच सके और काफ़ी लोग लाभ प्राप्त कर सके, तो इसी के अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो लेते आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।